कि आप सरकार के अंग हो, सरकार के द्वारा आपके बेहतर भविष्य के प्रति जो सरकार के लोगों की चिंता है, उस चिंता के साथ आप धैर्य, कर्मचारियों के बेहतर भविष्य के लिए जो भी सरकार के स्तर से कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। श्री जी ने किसी मामले में किसी को भी कोई वादा किया है तो उसको पूरा करने का काम किया है, और उनकी जो डिमांड है उस डिमांड के प्रति सरकार गंभीर है। किसी को भी इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। 9 अगस्त 2022 से लगातार हम नौकरियां दे रहे हैं। नमस्कार, बिहारी प्रतिभा न्यूज में आपका स्वागत है। अभी मौजूद है हम आरजेडी कार्यालय में, और जिस तरीके से ग्रामीण चिकित्सक अपने मांगों को लेकर गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं, सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं जा रहा है, लेकिन उन लोग भी डट गए हैं कि जब तक हम लोगों की मांग सरकार पूरा नहीं करेगी तब तक हम लोग गर्दनी बाग में बैठे रहेंगे। और इसी क्रम में अपना वो लोग प्रतिक्रिया दिए हैं कि हम लोग लास्ट अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आज उन लोगों का आखिरी दिन है, उसके बाद से वो लोग जेडीयू आरजेडी कार्यालय को घेराव करने वाला है। हमारे साथ इसी मुद्दे बातचीत करने के लिए आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी है। बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस पर इनका क्या प्रतिक्रिया है। सबसे पहले हमारे चैनल में बहुत धन्यवाद। जिस तरीके से ग्रामीण चिकित्सक कई दिन से बैठे हुए हैं लेकिन सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया, आपके नेताजी भी बोले थे तेजस्वी यादव जी कि अगर हमारी सरकार आती है तो उन लोगों को समायोजन किया जाएगा। देखिए, आपको पता है कि बिहार में जिस दिन से महागठबंधन की सरकार बनी है 9 अगस्त 2022 से लगातार हम नौकरियां दे रहे हैं, जो कर्मचारी कार्यरत हैं उनको बेहतर तरीके से न सिर्फ हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं बल्कि उनके वेतन को भी बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनको सुविधाएं भी उपलब्ध करा रहे हैं। ये किसी से छुपी हुई बात नहीं है, हमारी सरकार सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है। स्पष्टता, हम जो कहते रहे हैं उसको हमने करने का काम किया है, अमल में लाने का काम किया है। किसी को भी इस मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए और राजनीति की कोई आवश्यकता भी नहीं है। कर्मचारी चूँकि सरकार के अंग है, सरकार की इच्छा, भाई सरकार की इच्छा है कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनको बेहतर माहौल मिले, उनको बेहतर कार्य करने का जो कार्य क्षमता है उसको बढ़ाने का मौका मिले, और उसके लिए हर स्तर पर सुविधाएँ प्रदान करने के दृष्टिगत सरकार के स्तर से कार्रवाई चल रही है। जहाँ तक ग्रामीण चिकित्सक की बात कर रही हैं तो वो लोग धरने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, उनको अधिकार है, लेकिन एक बात उनको समझ लेना चाहिए कि जब तेजस्वी जी ने किसी मामले में किसी को भी कोई वादा किया है तो उसको पूरा करने का काम किया है, और उनकी जो डिमांड है उस डिमांड के प्रति सरकार गंभीर है। सरकार की गंभीरता स्पष्ट रूप से आपने देखा होगा आशा वाले में भी, या अन्य जो अभी शिक्षकों के भी विशेष दर्जा हम देने जा रहे हैं शिक्षकों को जो नियोजित शिक्षक हैं, तो इस तरह से हमारी सरकार पूरी मजबूती के साथ कर्मचारियों के हित में और कर्मचारियों के बेहतर भविष्य के लिए जो भी सरकार के स्तर से कार्रवाई होगी वो किया जाएगा। लोग धैर्य रखें, और स्पष्टता, सरकार की मंशा है कि हमारे जो कर्मचारी हैं उनका बेहतर भविष्य। सर, वो लोग अल्टीमेटम दिए हैं कि आज कोई स्टेटमेंट नहीं आता है सरकार को तो हम लोग जेडीयू आरजेडी कार्यालय को घेराव करेंगे। देखिए, राजनीति करने का ये मामला नहीं है, और राजनीति के लिए अगर कोई आंदोलन कर रहे हैं तो ये अच्छी बात नहीं है। राजनीति से ज़्यादा आवश्यकता है उनको कि अपनी बात, अपने डिमांड सरकार के स्तर तक पहुंचाने का काम करें, और जो उनका मांग पत्र है वो सरकार के मुखिया तक, सरकार के जो उप मुख्यमंत्री हैं उन तक, जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं उन तक पहुंचाने के लिए अलग से व्यवस्था है, और उस दृष्टिगत कोई काम करे तो बेहतर रहेगा। आंदोलन से समस्या का निदान नहीं होता है, आंदोलन को कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल है उसको दूसरी दिशा में भटकाने का काम करती है, इसलिए विपक्षी दल के ट्रैप में कोई नहीं फंसे इसका सरकार भी ख्याल रखती है और कर्मचारियों को भी ख्याल रखती है। बार बार बोल रहे हैं कि हमको आश्वासन नहीं चाहिए, इस बार लिखित चाहिए। भाई, आश्वासन का कोई मामला नहीं है, सरकार के स्तर पर जो कार्रवाई चल रही है वो दिख रहा है, ये बताने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम लोग आश्वासन नहीं देखते हैं। ये जुमलाबाज लोग करते हैं, और जो भ्रम की राजनीति करते हैं वो लोग करते हैं। आश्वासन वाले वो लोग हैं, भाषण वाले वो लोग हैं, हम लोग स्पष्टता जो कहते रहे वो करने का काम किए हैं। सबके साथ न्याय होगा, सबके साथ
इंसाफ होगा। संदेश देंगे सर, संदेश चिकित्सकों, देखिए संदेश एक ही है कि आप सरकार के अंग हो, सरकार के द्वारा आपके बेहतर भविष्य के प्रति जो सरकार के लोगों की चिंता है, उस चिंता के साथ आप धैर्य रखें और सरकार आपके लिए बेहतर करेगी। सरकार का स्पष्ट मत है कि जो भी हमारे साथ वाले लोग हैं, जो हमारे कर्मचारी हैं, उनको हर तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए, ये हमारी सरकार की सोच है। साथ ही अभी आरजेडी के प्रवक्ता एजाज अहमद जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ग्रामीण चिकित्सक जिस तरीके से अपने मांगों को लेकर गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उन लोगों को धैर्य रखने की जरूरत है। अगर तेजस्वी यादव जी बोले हैं तो उन लोगों की धैर्य रखने की जरूरत है, आगे उन लोगों की मांग को पूरी की जाएगी। आपका क्या प्रतिक्रिया हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर देख रहे थे हमारे पेज को लाइक और फॉलो कीजिए। धन्यवाद।